कैंडिड अमन कहानियों का स्मगलर। इंतकाम की आग में जल रहे एसआर ने कोर्ट की आखिरी हियरिंग में वैदिक बजाज को बरी किया अपनी बहन की मौत के इल्जाम से और दिया वैदिक को जीवनदान। लेकिन इसके पीछे है एसआर का एक प्लान। एसआर ने रोका वैदिक का रास्ता और अपने गन पॉइंट पर लेते हुए उसके सामने रखी एक शर्त, जिसमें उसने किया एक बड़ा सौदा। तो आखिर क्या है वो सौदा और क्यों एसआर ने लिए अपने आरोप वापस, आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। मुंबई हाईकोर्ट, सुबह 11 बजे का समय। टेंस माहौल के बीच एक राहत भरा स्वर गूंजने लगा। जज साहब, मेरे मौकिल मिस्टर संकल्प रायचंद अपना ये केस खारिज करना चाहते हैं। वो मानते हैं कि उनकी तरफ से इस केस को एक मर्डर समझने की गलती हुई है। वो अपने इस केस को क्लोज करना चाहते हैं। आपकी इजाजत हो तो मैं अपने मौकिल एसआर को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। जज साहब ने वकील को हां में सर हिलाया तो कोर्ट रूम में बैठा एक शख्स 28 साल का हट्टा कट्टा नौजवान चलते हुए कटघरे की ओर बढ़ने लगा। इस शख्स का नाम है संकल्प रायचंद उर्फ एसआर। डस्की स्किन टोन, ऊंची लंबी नाक, शार्प जॉलाइन, ब्राउन आंखें और चेहरे पर गंभीर लुक्स। उस शख्स ने कटघरे में आते हुए अपना स्टेटमेंट देना शुरू किया। जज साहब, मैं वैदिक बजाज के ऊपर से अपना केस वापस लेना चाहता हूं। मेरी बहन की मौत सिर्फ एक हादसा थी और मैं उसकी मौत के इल्जाम से उसके पति वैदिक बजाज को बरी करता हूं। जज साहब ने संकल्प से पूछा, एसआर, क्या जानते हैं कि आपको इस तरह से कोर्ट और कानून का समय बर्बाद करने के लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है? एसआर ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, मैं तैयार हूं, कोई भी जुर्माना भरने के लिए आई एम रेडी। एसआर के यूं इस तरह से बयान बदलने पर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर हैरानी थी। लेकिन वहां 50 साल के बैठे मिस्टर राजेश बजाज और उनकी 23 साल की बेटी वेदिका बजाज के चेहरे पर सुकून था। वेदिका को यकीन नहीं हो रहा था कि एसआर ने इस केस को वापस ले लिया है। वेदिक के लिए तो ये किसी जीवनदान से कम नहीं था। जज साहब ने फैसला सुनाते हुए कहा, एसआर उर्फ संकल्प रायचंद के दिए हुए बयान को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट मिस्टर वैदिक बजाज को बाइज्जत बरी करती है, जिसके साथ साथ एसआर को कोर्ट और कानून के समय को बर्बाद करने और मिस्टर वैदिक बजाज के साथ हुई ह्यूमिलिएशन के लिए एसआर के ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना लगाती है, जिसमें 50 लाख की रकम एसआर मिस्टर वैदिक बजाज को अदा करेंगे। इतना कहते हुए जज साहब वहां से उठकर जा चुके थे। कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि पिछले बीते हुए सेकंड्स पहले तो खुद एसआर को भी नहीं पता था कि वो इस तरह का बयान देने वाला है। संकल्प ने अपनी नजरें उठाकर कोर्ट रूम में बैठी वेदिका को देखा और अपनी नजरें फेरते हुए वो कटघरे से बाहर आ गया। वैदिक भी कटघरे से बाहर आया और उसने अपने कदम एसआर की तरफ बढ़ाए तो इससे पहले ही वो एसआर तक पहुंच पाता, बीच में वैदिका ने अपने भाई वैदिक के सामने अपने हाथ फैलाते हुए उसे रोक दिया। इतने समय में एसआर ने अपने कदम वहां से सीधे कोर्ट रूम से बाहर की ओर बढ़ा दिए थे। वैदिक ने वेदिका से कहा, लेट मी आस्क हिम, जो शख्स कुछ पल पहले तक मुझे अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार समझ रहा था, अचानक से उसका गुस्सा कैसे शांत हो गया? आई नीड टू नो दिस। वेदिका ने अपने भाई को समझाते हुए कहा, वेद भाई, प्लीज लेट हिम गो, एसआर एक तूफान है, उसे गुजर जाने दीजिए। प्लीज भाई, अपने सवाल को अपने अंदर रख लीजिए, कुछ सवालों के जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। वेदिका ये सब नम आंखों से अपने भाई को समझा रही थी। उसे पता था कि वो अभी एसआर के अपना बयान बदलने से पहले अपने भाई वैदिक बजाज को खोने ही वाली थी, लेकिन शुक्र था एसआर का, जिसने एंड मोमेंट पर अपने बयान को बदलकर उसके भाई को जीवन दान दे दिया। इधर कोर्ट में बैठे मिस्टर राजेश बजाज के चेहरे पर राहत थी। जो एसआर कुछ समय पहले तक वैदिक की जान का प्यासा था, अचानक से उसके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया, ये सोचने की बात थी। लेकिन इस समय इस खुशी के सामने तो मिस्टर राजेश बजाज और वेदिका बजाज का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। इतने दिन से चल रही कोर्ट की कार्यवाही आज समाप्त हो चुकी थी। वेदिक ने अपनी बहन और अपने डैड को गले से लगाया और वहां से अब उन्हें साथ लिए वो आज काफी समय के बाद घर वापस जा रहा था। वेदिका बजाज, उम्र 23 साल, 5 फीट 6 इंच की हाइट, गोरा रंग, लंबे भूरे बाल और बड़ी बड़ी मासूम सी आंखें। वेदिका ने अपने भाई वैदिक की जान बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी,
लेकिन बावजूद इसके एसआर की गवाही ही वो आखिरी हथियार बनी वैदिक के लिए, जिसने उसकी जान को बख्श दिया। वैदिक बजाज, उम्र 27 साल, 5 फीट 11 इंच की हाइट, मस्कुलर बॉडी फ्रेम, गोरा रंग, गहरी काली आंखें। वैदिक अपनी बहन और अपने डैड मिस्टर राजेश बजाज के साथ वहां से अब बाहर निकल चुका था। बाहर निकलते के साथ वैदिक को रिपोर्टर्स की भीड़ ने घेर लिया था। तरह तरह के सवाल उनके ऊपर बरस रहे थे, लेकिन उन्होंने बिना कोई जवाब दिए अपने कदम वहां से अपनी कार की तरफ बढ़ा दिए। अब तक बादल घिर कर आ चुके थे, जो जोर जोर से गरजने लगे थे, जिसके पल भर में झमाझम बारिश भी शुरू हो चुकी थी। वैदिक खुद कार ड्राइव कर रहा था, उसके डैड उसकी बगल वाली सीट पर बैठे थे और उसकी बहन वेदिका पीछे बैठी थी। तेज बारिश और घने बादलों की वजह से आसमान बेहद खूबसूरत लग रहा था। ऐसा मालूम दे रहा था कि जैसे दिन में ही रात हो चुकी हो। वैदिक को घर पहुंचने की जल्दी थी और वो इस तेज बारिश में भी अपनी कार की स्पीड जरा भी स्लो नहीं करना चाह रहा था। लेकिन अगले ही पलों से अचानक से अपनी कार पर ब्रेक मारने पड़े, जब एक बड़ी सी चमचमाती एसयूवी कार ने वैदिक की कार को ओवरटेक करते हुए उसे रोक दिया। वो बड़ी सी एसयूवी कार वैदिक की कार के सामने खड़ी थी, जबकि वैदिक की कार को पीछे से और साइड से भी कार्स ने घेर लिया था। वैदिक समझ चुका था कि ये कौन हो सकता है। अगले ही पल उसका शक सच में बदल गया जब उस कार के ड्राइवर ने उतरकर पीछे का डोर खोला और कार से एसआर बाहर आया। एसआर को देखकर वैदिक के डैड राजेश बजाज बुरी तरह से डर गए थे। एसआर के चेहरे के एक्सप्रेशंस उन्हें ठीक से नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन एसआर को उन्होंने पहचान लिया था। एसआर ने अपने कदम वहां से वैदिक की कार की तरफ बढ़ाए ही थे, जब उसने अपने हाथ से वैदिक को कार से बाहर आने का इशारा किया। वैदिक को अच्छे से पता था कि इस समय उसके साथ उसके अलावा उसके डैड और उसकी बहन दोनों ही हैं, तो इस समय एसआर जैसे सनकी और खतरनाक इंसान की बात को मान लेने में ही भलाई है। यही सोचते हुए वैदिक ने अपनी ड्राइविंग साइड से डोर खोल दिया, लेकिन इससे पहले वो कार से बाहर आता पीछे की सीट पर बैठी वैदिका ने घबराते हुए वैदिक से कहा, वेद भाई प्लीज 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 डोंट गो, वो आपको मार देंगे। वैदिक ने अपनी बहन को समझाते हुए कहा, उसने खुद कोर्ट में मेरी जान बचाई है, अगर उसे मुझे मारना ही होता तो वो इस केस से पलटता ही नहीं। डोंट वरी, वो मुझे मारेगा नहीं, आप दोनों यहीं रुकिए। इतना कहते हुए वैदिक ने अपनी कार का डोर खोला और कार से बाहर कदम रखने लगा। तेज बारिश ने पल भर में वैदिक को पूरी तरह से भिगा दिया था। वैदिक अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लिए अपने सामने खड़े भूखे शेर एसआर की तरफ बढ़ गया। वैदिक और एसआर में बमुश्किल कुछ ही कदमों का फासला रह गया था, जब एसआर ने सामने खड़े वैदिक से कहा, आई एम अमेज्ड, ये कछुए की चाल चलने वाला इंसान मेरी बहन को कैसे पसंद आ सकता है। एसआर की बातों में व्यंग्य और कड़वाहट दोनों ही थे। वैदिक ने एसआर से पूछा, इस तरह से रास्ता क्यों रोका है तुमने हमारा, चाहते क्या हो तुम। एसआर ने अपने सर को 360 डिग्री के एंगल में घुमाते हुए किसी सनकी की तरह हंसते हुए वैदिक को जवाब दिया, फैसला बदल लिया है मैंने अपना, तुझे फांसी के फंदे पर लटकाने की जगह ये शुभ काम अपने इन हाथों से करना चाहता हूं मैं। इतना कहते हुए एसआर ने अपने पीछे से एक गन निकालकर उसे वैदिक के माथे पर तानते हुए कहा, ऑन अकाउंट ऑफ थ्री। ये बोलते के साथ एसआर पागलों की तरह हंस रहा था। इधर कार में बैठी वेदिका ने जब ये नजारा देखा तो उससे रुका नहीं गया। वेदिका ने फौरन कार का डोर खोला और कार से उतरकर वो अपने भाई वैदिक की तरफ बढ़ गई। उसके ठीक पीछे उसके डैड राजेश बजाज भी थे। इधर एसआर की गिनती शुरू हो चुकी थी, 1, जिसके बाद उसने एक लंबा पॉज लिया और आगे कहा, 2। इसके बाद बस उसके 3 बोलने भर की देर थी जब उसकी गन से गोली चल जाने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि उसकी बहन वेदिका ने एसआर की गन को अपने हाथ से पकड़ते हुए उसे अपने सर पर तानते हुए कहा, आपको मारना है तो मुझे मार दीजिए, मेरे भाई को प्लीज छोड़ दीजिए। एसआर वेदिका के इस बोल्ड स्टेप को देखकर हैरान था। एसआर को हैरत थी वेदिका की हिम्मत पर, जब उसने मुस्कुराते हुए वेदिक से कहा, लगता है तुझसे ज्यादा हिम्मत तो तेरी बहन में है, जो तेरे हिस्से की गोली खाने आ गई है। व्हाट इफ मैं इससे ही शुरुआत करूं। इतना कहते ही एसआर ने अपनी गिनती दोबारा शुरू की, जब वैदिक ने एसआर के हाथ से गन छटकने की कोशिश करते हुए कहा, तुम मेरी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकते।
इस छीना छपटी के बीच एसआर के कुछ गार्ड्स भी वहां आ चुके थे। जब एसआर ने उन्हें अपने एक हाथ के इशारे से वहीं रुकने के लिए बोल दिया, एसआर ने उस गन से ही वैदिक के सर पर एक बार वार किया, जिसके बाद वैदिक वहीं जमीन पर गिर चुका था। वैदिक की अपनी बहन के लिए तड़प देख कर ही एसआर को अंदाजा हो चुका था कि उसे क्या करना है। वैदिक के सर से खून बह रहा था और इधर राजेश जी भी अपने बेटे के सर को घुटनों के बल अपनी गोद में रखे बैठे हुए उसके बहते खून को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब एसआर की नजर वहीं नजदीक में खड़ी वेदिका के ऊपर पड़ी। एसआर वेदिका की तरफ पलटा तो वेदिका ने घबराते हुए अपने कदम पीछे ले लिए। एसआर अभी भी अपने कदम वेदिका की तरफ ही बढ़ा रहा था। वैदिक ने अपनी बहन वेदिका से कहा, वेदिका रन, वेदिका रन। लेकिन वेदिका के पांव में तो जैसे बेड़ियां पड़ चुकी थी। वो इस तरह से अपने भाई को और डैड को इस हालत में इस हैवान के पास छोड़कर नहीं जा सकती थी। वेदिका ने बजाय अपने कदम पीछे लेने के, यहां से भागने के, उसने अपने कदम जमीन पर ही पड़े अपने भाई की तरफ बढ़ा दिए। लेकिन इससे पहले वो अपने भाई को छू पाती, एसआर ने आगे बढ़ते हुए वेदिका की कलाई को थाम लिया। वेदिका ने गुस्से और नफरत से भरी निगाहों से एसआर की तरफ देखा तो ठीक उसी पल एसआर के मुंह से निकली बात सबके कानों में गूंज गई हो जैसे, मुझे वेदिका चाहिए। ये शब्द जैसे ही वहां मौजूद सभी लोगों के कानों में पड़ी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि सामने खड़ा सनकी और गुस्सेल माफिया किंग एसआर को वेदिका चाहिए। वेदिका ने अपने हाथ को एसआर से झटकने की कोशिश की, लेकिन एसआर की पकड़ बेहद मजबूत थी वेदिका की कलाई पर। वेदिका की आंखें रोने से अब तक गुलाबी हो चुकी थी, लेकिन एसआर के दिल में कोई रहम नहीं था बजाज फैमिली के किसी सदस्य के लिए सिवाय एक शख्स के। तो आखिर कौन है बजाज फैमिली का वो इकलौता शख्स जिसके लिए एसआर के दिल में है नरमी? आखिर क्या है संकल्प रायचंद उर्फ एसआर की बजाज फैमिली से दुश्मनी की वजह? क्या सच में वेदिका बजाज बनेगी एसआर की दुल्हन, या उसका भाई वैदिक बचाएगा अपनी बहन को? आखिर किस बात की सजा मिल रही है बजाज फैमिली को? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए द ऑब्सेशन ऑन कैंडेड अमन।